हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डिस ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशो प्रोपोर्शन में हमारा दूध और पानी का रेशो वो हो गया था। अब इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पास कितने फेल, इस पर कुछ करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 12 बढ़ जाए प्रत्येक में, और तो उनका अनुपात होगा 8:11:14 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? क्या थी? अब इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में हमें देखेंगे कि हमारे पास अनुपात था 2:3:4, ये था। उसके बाद में ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की 12 बढ़ जाए, मतलब प्लस ट्वेल्व प्लस, मतलब तीनों में हमें 12 12 स्टूडेंट बढ़ा दिए, छात्र बढ़ा दिए, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 8:11:14 हो जाएगा। तो अब इनको यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल मतलब 12 बढ़ा दिए टोटल में से, अब इनका अनुपात ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो इनको अनुपातों को क्या इक्वल करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का। इसमें 7, इसमें 8 का और इसमें 10 का। इनमें तीनों में देखेंगे तो डिफरेंस तीनों का अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो पहले इनका डिफरेंस क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। इस डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या था कि अगर तीनों में इक्वल जोड़ रहे हैं अपन, तो उसमें क्या आएगा, नीचे का जो डिफरेंस है 3 और जो ऊपर का डिफरेंस है, उनको नीचे वाले डिफरेंस को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू से, और ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो नया रेशियो आएगा हमारे पास, न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो क्या आएगा वो देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों में इक्वल समान क्वांटिटी जोड़ी गई है, समान 12 12 स्टूडेंट जोड़े गए हैं। तो इसमें क्या आएगा कि नीचे वाले रेशियो को ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इन दोनों का अंतर आ रहा है, और ऊपर वाले जो दो रेशियो के बीच में जो अंतर आ रहा है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनमें दोनों में भी 3 का है और इसमें भी 1 का है अंतर। अब इसमें देखेंगे, इसको न्यू रेशियो आएगा तो इसको करेंगे 6:6:9:12 आ गए, और इसका आ जाएगा 8:11:14। अब इन दोनों रेशो में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इन दोनों में देखिए 2 का और इन दोनों में 2 का, तो समान डिफरेंस आ गया। पहले इसमें 6 का, इसमें 8 का और इसमें 10 का, ये अंतर आ रहा था। अब इसमें क्या आ रहा है, समान अंतर आ रहा है। तो जो 2 के इक्वल है, जो कितने बड़े हमारे 12 छात्र बड़े, तो 12 के आ गए, और 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 12/2, तो आ गए 6। इसने पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी आरंभ में। तो आरंभ में, अब ये आरंभ में हमारे पास विद्यार्थी थे, लेकिन इसमें हमने गुना भाग कर दिया। तो अब इसमें हमारे पास जो नया रेशो आया है वो ये आया है, तो हमारा जो नया रेशो होगा वो ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आरंभ में छात्र 6+9+12, ये हो गए 27। तो फिर 27 × 6, तो हमारे पास टोटल आ गए 162 छात्र, 162 छात्र हमारे पास आ गए। बस इतना इतना ध्यान रखना है कि अगर तीनों में बराबर हमारे जोड़े जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं, तो जो नीचे वाले का अंतर है वो ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाले रेशो का अंतर है वो नीचे वाले रेशो से गुना कर देंगे, जिससे हमारे पास जो नया रेशो आएगा वो हो जाएगा। और इसमें दूसरी बात, जब हमें नई संख्या आ जाती है तो फिर ये रेशो हम काम में नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 132 छात्र हैं, जिसमें सफल और असफल छात्रों का अनुपात है, इसमें पास और फेल का है। अगर 4 छात्र और पास हो जाते तो उनका अनुपात क्या होगा? इसमें से है, पहले हमें दिया हुआ क्या है कि पास, जो पास हो गए वो पास, और जो असफल रहे वो फेल। तो
तो 9:2 दिया हुआ है, 9:2 दिया हुआ था। अगर इसमें ये कह रहा है कि चार छात्र और पास हो जाते, मतलब रेशियो में दिया हुआ है और हमें संख्या बताई गई है, तो अब जो 132 है उसको देखेंगे, 132 है इसको 9:2 में बांटेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों का 11, तो ये है 11 बराबर 132 होते हैं, तो 1 बराबर क्या होगा, 132/11, तो 11 12 12 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो ये आ जाएगा 108 और ये आ जाएंगे 24, तो टोटल छात्र हमारे पास 132 हो गए। तो जो पास होने वाले छात्र थे वो तो 108 हो गए, संख्या में, ये संख्या में है, ये अनुपात में है, और ये कितने हो जाएंगे, ये 24 हो गए। अब ये कह रहा है कि अगर चार छात्र और पास हो जाते, तो मतलब पास होने वाले छात्र ये हैं, तो इसमें चार ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि जब चार पास हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि चार बच्चे कहाँ से आएंगे, तो चार बच्चे फेल भी तो, चार बच्चे घट जाएंगे फेल वालों में से, क्योंकि वो पास हो गए। तो यहाँ से रेशो आ जाएगा 112 और यहाँ से आ जाएगा 20। अब यहाँ से रेशो लाना है अपने को, तो ये कट रहे हैं, ये और भी ज़्यादा कट रहा है, तो हमारे पास जो रेशो आ गया वो आ गया 28:5। पास और फेल का जो रेशो है वो क्या आ गया, पास और फेल का रेशो जो है वो हमारे पास 28:5 आ गया। सीधा सा हमें अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में फिर हमें संख्या में घटाया और बढ़ाया जा रहा है, तो पहले जो हमारे पास संख्या है उसको संख्या में चेंज करेंगे। यहाँ संख्या में चेंज करने के बाद में उसने बताया कि हमारे पास चार छात्र पास हो गए, तो चार छात्र पास हो गए तो सीधी सी बात है किस में से पास हुए, जो असफल छात्र थे उसमें से पास हुए, तो यहाँ से घट जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। इन दोनों के आने के बाद में जो वैल्यू आएगी उनका हम रेशियो बना देंगे, और उसको रेशियो को ही, वो रेशियो हमारा पास और फेल का रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ 6:5, अगर 22 महिलाएं क्लब से चली जाती हैं तो अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उसने पूछा है कि पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो अब इसमें क्या है, मेल फीमेल रेशो, मेल महिला और पुरुष का, तो क्या है 6:5 है, उसने कहा है कि 22 महिलाएं चली गई, तो -22, उसके बाद क्या है कि रेशो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है मतलब 5:6 हो गया, तो क्लब में पुरुषों की संख्या क्या होगी। इसमें एक ही चीज़ है कि महिलाओं की संख्या बदली है, तो पुरुषों की संख्या तो सेम रहेगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, पुरुषों की संख्या को पहले सेम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हमारा जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा फीमेल रेशो मेल, तो ये आ जाएगा 36:30 और यहाँ से 25:30। तो इसमें हमने कहा है कि महिलाओं की संख्या चेंज हुई थी, तो महिलाओं की संख्या चेंज हो रही है, और पुरुष सेम है तो पुरुषों के का रेशो सेम रहेगा। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। तो अब ये कितने कह रहे हैं कि 22 महिलाएं क्लब से चली गई, तो ये 9 रेशो आ रहा है, तो इसने पूछा है कि सॉरी 11 का रेशो आ रहा है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 22 महिलाएं चली गई, तो 11 बराबर तो कितने हो जाएंगे 22, और 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2, तो अब पुरुषों की संख्या पूछी है, तो मेल क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला रेशो काम में लेंगे, ये वाला रेशो काम में नहीं लेंगे, तो ये वाला लेंगे, तो ये जाएगा 30 गुना 2 बराबर 60, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 60, बस ये ध्यान रखना है। उसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़के एवं लड़कियों का एक ग्रुप है जिसमें से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ के चली जाती हैं, और उसके बाद में लड़के व लड़कियों का अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है, और जब हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं कि 45 लड़के हैं वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, तो अब अनुपात 1:5 हो जाता है, तो लड़कियों की प्रारंभिक संख्या क्या थी ये पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, बॉय रेशो गर्ल, लड़का और लड़कियों का ग्रुप है, तो उसमें क्या है 15 लड़कियां चली गई और इसमें रेशो रह गया 2:1। तो अब जब 45 लड़के ग्रुप छोड़ के चले गए, अभी कह रहे हैं 45 लड़के ग्रुप छोड़ के चले गए, तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, सॉरी
इसमें बॉय क्या है, बॉय 15 लड़कियां, 15 लड़कियां छोड़ के चली गई, तो 2:1 हो गया। उसके बाद में कह रहे 45 लड़के, तो -45, तो उसके बाद में क्या ग्रुप हो गया, 1:5 आ गया। ये इससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे। हमारे पास बॉय इक्वल थे, गर्ल्स क्या कर रही थी, 15 कम हो रही थी, तो 15 कम कर दिया, तो रेशियो हमारे पास आ रहा था 2:1। यहाँ से हमारे बॉयज के रेशियो आ जाएगा 2g-30। उसके बाद में दूसरी, ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 45 लड़के चले गए, बॉय थे वो चले गए 45, लेकिन उसके साथ साथ गर्ल्स भी तो गई थी, तो गर्ल्स g-15, उसमें रेशियो रह गया 1:5 का। तो अब ये क्या जाएगा, 5b-45 इक्वल्स टू g-15। ये इक्वेशन दो आ गई। यहां से हम इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वेशन एक को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां बॉय की निकाली थी, तो बॉय को यहां पुट कर देंगे, तो हमें पूछा किसका है, लड़कियों की पूछी है, तो 5b का है 2g-30 और -45 ये आ जाएगा। उसके बाद में जी की वैल्यू ये है ही, g-15। उसके बाद में हम यहां से जी को सॉल्व करेंगे, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। ये आप सॉल्व करना, इसमें गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 40, तो इसमें पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की संख्या 40 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में यदि 50 कम आवेदन होते तो हमें 25 लोग कम चुनने पड़ते। अब चुने गए और नए चुने गए अनुपात है 9:4 होता, लेकिन अभी अनुपात 2:1 है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया। अगर ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अगर 50 आवेदन कम आए होते तो हमें 25 लोग कम चुनने पड़ते, तो हमारा जो रेशियो था वो 9:4 होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास चुने गए थे, तो अब उसका रेशियो है 1। चुने गए मतलब सेलेक्ट, और चुने गए ये हैं, और अनसेलेक्ट ए चुने गए ये हैं, तो इसमें क्या है, हमारे पास रेशियो है 2:1, 2:1 है अनुपात, ये दिया हुआ है। ये तो जब हमारी संभावना थी कि 50 लोग कम आवेदन करते, तो अभी क्या कह रहे हैं कि हमें 25 लोग कम चुने जाते, तो ए चुनने वाले हो गए 25, तो सीधी सी बात है जो 25 जो बच गए वो कौन थे, वो चुने गए थे, तो ये आ गए, इसमें आ गए 25। ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास 25 लोग थे, तो ये क्या करते कि 25 लोग होते तो कम ये चुनने वाले होते, और 25 ही लोग हमारे पास अनसेलेक्ट होते, और सेलेक्ट और अनसेलेक्ट दोनों का इक्वल होता, तो हमारे पास रेशो क्या होता, 9:4 होता। हमने देखा था कि अगर हमारे पास समान मात्रा में जोड़े और घटाए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जो ऊपर वाले की संख्या का रेशियो और नीचे वाली संख्या का रेशियो, पहले हम उनका अंतर देखेंगे, तो इन दोनों में हमारे पास कितने घटाए जा रहे हैं, 25 घटाए जा रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 5, और इन दोनों संख्याओं का रेशियो का अंतर है 1। तो हमने क्या देखा था कि दोनों समान क्वांटिटी में घटाए जा रहे हैं, समान मात्रा में, तो अब क्या इन दोनों रेशियो का अंतर इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और इन दोनों रेशियो का अंतर नीचे वाली रेशियो से गुना कर देंगे, तो इससे गुना करना होगा 5 से, और इसको गुना करना होगा 1 से, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगा वो ये है 2:1 सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का। तो यहां से आ जाएंगे हमारे पास 10:5, और यहां से आ जाएगा 9:4, ये हमारे पास आ गए। तो उसके बाद में हमारे पास अंतर कितने का है, 1 का, 1 का अंतर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास तो कितने लोगों ने आवेदन किया, तो हमारे पास पहले की टोटल, पहले के लोग ये थे, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, ये 15 आ गए, और पहले 15 लोग थे हमारे पास, अब तो न्यू रेशो ये आया है, तो उसके बाद में ये कह रहा है 25 लोग कम चुने जाते, तो 1 = हमारे पास 25 आ गया, तो हमारे पास टोटल कितने आवेदन होते, ये होते हमारे पास 15, तो ये थे और 25 ही आ गए, तो 15 × 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375 आवेदन।
तो हमारे पास टोटल हमने 375 आवेदन किए थे, तब हमारा रेशियो 2:1 था। अगर ये कह रहा है कि हम 50 लोग कम करते तो इसका मतलब है यहाँ से 325 से आवेदन करते तो हमारा रेशियो क्या हो जाता, 9:4 हो जाता। तो इसने ये पूछा है कि पहले कितने आवेदन थे, तो ये हमारे टोटल आवेदन यही पूछा है। अगर ये बाद का पूछते तो फिर बाद का हम ये यहाँ से निकालते 13 से, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे बाद के आवेदन आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:3 है। कुछ नए लड़के और लड़कियों का नामांकन हुआ और उसमें जो अनुपात आए वो 5:7 के अनुपात में आई वो। तो अब छात्रों की संख्या 1200 हो गई, टोटल छात्र हमारे पास 1200 हो गए, तो अब इनका अनुपात है 7:5 हो गया। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी? पहले हमें हमारे पास कितने संख्या छात्र थे हमें नहीं पता, एक्स थे, पहले एक्स थे जिनका बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की का अनुपात था 5:3। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमारे पास नए छात्र आए, नए छात्र आ गए, तो उसमें से इनका अनुपात कितना है, 5:7 है। तो अब छात्रों की संख्या 1200 हो गई, ये तो हमारे पास क्वांटिटी में आ गई, संख्या में आ गई, अब इसको साइड में छोड़ो, और अनुपात है इसका अनुपात 7:5, मतलब इन दोनों का अनुपात है जो हमारे पास, जो पहले का 7 था और बाद वाले का 5 है, तो हमारे पास टोटल अनुपात हो गया 5:7:5। तो इसमें प्रारंभिक छात्रों की संख्या क्या थी, तो पहले इसमें छात्रों की संख्या निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे कि टोटल तो हो गए 8, इसमें बॉय और गर्ल की वैल्यू निकालेंगे, तो बॉय कितना हो जाएगा हमारे पास 5 दिया हुआ है और बटे 8, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक्स है, प्लस ऐसे ही बॉय का यहां से निकालेंगे, बॉय हमारे पास कितना है 5 है, यहां से टोटल कितनी हो गई 12, तो बटे 12, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है टोटल, एक्स है। वैसे ही यहां से गर्ल्स का निकालेंगे, गर्ल्स है 3/8 एक्स, प्लस यहां से गर्ल्स हमारे पास 7 है, टोटल है 12 × y। यहां से बॉय और गर्ल का हमने रेशियो निकाला। अब ये जो रेशियो है बॉय एंड गर्ल का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7:5। यहां से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4:1। इनको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको यहाँ से वज्र गुना करके हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी 4:1। तो उसने पूछा है कि तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी, उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें 1200 छात्र, टोटल छात्रों की संख्या हमें 1200 दी गई है, यहाँ से x और y इसी में पुराने और नए दोनों छात्र मिले हैं, तो इनका रेशियो हमारे पास आया है 4:1। तो यहां से 1200 का करेंगे, तो यहां से आ जाएगा, यहां पे हमारे पास पुराने छात्र हैं 240 × 4:1, और नए छात्र हैं 240, तो 960 छात्र हमारे नए हैं और 240 हमारे पास पुराने छात्र हैं, ये हमारे पास रेशियो आएगा, ये हमारी संख्या में आ गया, ये हमारे पास अनुपात में था, ये अनुपात में था। बस, थैंक यू।